हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए DPSC वैकेंसी लेकर के आई हूँ, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसी लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। और इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स की वैकेंसी का अपडेट ऑलरेडी चैनल पर दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, इस वैकेंसीज का डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मेल और फीमेल वार्डन का रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों का इन एनी स्ट्रीम। इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत ही ज़रूरी होता है DPS पे काम करने के लिए। विद 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड रेजिडेंशियल स्कूल इज़ अ मस्ट। तो रेप्यूटेड रेजिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है दोस्तों इसके लिए। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो फॉर्म फिल किया जाए तो फिर आप लोग कर दीजिएगा। PGDE में देखिए, मास्टर्स होनी चाहिए इन बायोलॉजी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, ये सब में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स बीइंग इन टॉप 10 पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी और 10 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई। आप लोग जिन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे वहाँ पर आप लोग आप लोगों का पोजिशन टॉप 10 में होनी चाहिए एंड 10 ईयर्स का आप लोगों का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप लोगों का यूनिवर्सिटी पे टॉप 10 पोजीशन है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप लोगों का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। TGDE में देखिए, आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हिंदी एंड संस्कृत में वैकेंसी है। म्यूज़िक वेस्टर्न वोकल के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर टीचिंग पोस्ट कैंडिडेट्स विद बीएड एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, मस्ट है ये। एन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.dpsguwahati.org पे आप लोग जाकर के स्कूल से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सैलरी एज़ पर DPS सोसाइटी नॉर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पे दी जाएगी सैलरी अकॉर्डिंग टू DPS सोसाइटी नॉर्म्स, ठीक है। एंड एकोमोडेशन कैंपस पे अवेलेबल है, आप लोगों को एकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी है ये बात एंड कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्यूली फिल जो आप लोग स्कूल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको प्रिंट करा करके आप लोगों को उसको फिल करना होगा एंड फिल करके आप लोगों को टेलीफोन नंबर्स, बायोडाटा एंड टेलीफोन नंबर लिखना होगा एप्लीकेशंस में एंड टेलीफोन नंबर के साथ उसके साथ बायोडाटा एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लोगों को अटैच करना होगा एंड प्रिंसिपल के ऑफिस पे आप लोगों को जमा करना होगा। प्रिंसिपल ऑफिस principaloffice.biodata@gmail.com पे विदिन 7 डेज आप लोगों को जमा करना होगा, ठीक है। इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड इन द स्कूल कैंपस एंड डेट्स विल बी इंटीमेटेड टेलीफोनिकली व्हाट्सएप ईमेल, ये तीनों दोहरण आप लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। द मैनेजमेंट डिजर्व्स द राइट टू कॉल ओनली द डिजर्विंग कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू एंड नॉट टू फिल अप द वैकेंसी इफ सुटेबल कैंडिडेट्स इज नॉट फाउंड, ठीक है। ये सब क्वालिफिकेशन से आप लोग मीट करते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और ये जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे आप लोग यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं ये वैकेंसी आई कहाँ से। ये वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल गुवाहाटी से, यानी कि असम से आई हुई है ये वैकेंसी। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग ये जो फ़ोन नंबर दिया गया है यहाँ पे कॉल करके भी आप लोग फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और एकोमोडेशन इस स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।